ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखो ये सच्चाई तो कोई उस चीज़ की गल नहीं है, जदों जिस पार्टी के भी शामिल होना होगा असी ठोकते तो उन्हें बोल देवांगे, बुला के कहांगे जी ठीक है ना जी, तो जदों भी इस तरह का मन बनेगा मैं थोनू दस दूंगा जी। सर दोनों पार्टियां बगाड़ी कांड के विच तुसी काफ़ी सट बैठी सी, उहदे विच कदी कदी तुसी इस्तीफा भी देता कि सच्चाई की राह में चलना, किदां देख रहे हो दोनों सरकारां नूं? देखो इस वेले इस दे उत्ते टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि तुसी देख रहे हो दो महीने तो की चल रहा है, खासकर दिल्ली दे विच की चल रहा है, ठीक है कि नहीं। रूलिंग पार्टी के MLA उत्थे बुलाए जाते हैं, यह सारा कुछ हो रहा है, तो मैं उदे उत्ते उन्हां दा जो उन्हां दी अपनी कार्य प्रणाली है मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा हाँ, ठीक है। मेरा तो यही फोकस है कि मैं मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब के नाल एक बार मुलाकात करना चाहूँगा हाँ, जो सारा हो जाएगा मैं चाहूँगा हाँ कि सुप्रीम कोर्ट के विच अपील किया जाए जो ऑर्डर आया है, क्योंकि वो ऑर्डर गैर संवैधानिक ऑर्डर है, जो साढ़े लीगल एक्सपर्ट्स ने जो स्टडी की है वो उस नूं चैलेंज करना है। मानयोग CM साहब ने भी जनतक तौर पर अपने इंटरव्यू दे विच किया है कि उस नूं चैलेंज करना है, तो मैं उस संबंध विच एक बार मुलाकात करांगा, बेनती करांगा, तो उहनूं चैलेंज करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो बाकी कोई गलबात होगी तो मैं तुहानूं दस दूंगा जी। सर सच्चाई किदा वेख रहे हो कि कांग्रेस सरकार अपने सवाल के उत्ते पार्टी ने भी सवाल चुक रही है, MLA सवाल चुक रहे हैं, तुसीं आम दी कि क्यों चुड़ी सकदे? मेरी गल सुनो, जेकर कांग्रेस पार्टी दे MLA जां उन्हां दे लीडर सवाल चुक रहे हैं तो उन्हां दा अंदरूनी मसला है ना जी, कि उन्हां दा अंदरूनी मसला है, ठीक है जी, तो उस मसले के उत्ते मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उन्हां दी पार्टी दा अपना अंदरूनी मसला है, ठीक है। तो मैं तो एक देखो सरकार दे विच सर्विस दे विच सीगा, मैं अपना बेहतर तो बेहतर अपनी कोशिश की, जो जो ड्यूटी दी गई, यही नहीं इस ड्यूटी दे विच भी असी की बहुत, मतलब मेरे मतलब प्रोफेशनल करियर दा 22-23 साल जो असी नौकरी की ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन सीगा जी। लेकिन मैनू दुख जरूर होया, निराशा भी जरूर हुई कि रिपोर्ट फरीदकोट दी मानयोग सेशन अदालत दे विच है, तो फैसला चंडीगढ़ दे विच हो रहा है, तो साडे जिहड़े सरकारी पक्ष के वकील ने वो ये भी उन्होंने उचित नहीं समझिया कि वो कहन कि वो रिपोर्ट उतों मतलब चंडीगढ़ मंगा ली जाए, तो उन्हें पूरा देख के, ठीक है कि नहीं, रिपोर्ट नूं पढ़ना, देखो एक कमरा है ना जी, एक कमरे दे विच वो पूरा रिकॉर्ड सारा वो हो जाएगा, तो वो है तो फरीदकोट दे विच, ठीक है ना जी, उत्थे दी अदालत दे विच, तो फैसला चंडीगढ़ दे विच हो रहा है, तो मैनू निराशा जरूर हुई, लेकिन मैं कोशिश करांगा फिर, क्योंकि मानयोग CM साहब का बयान आया है, मैं मुलाकात करांगा, मुलाकात करके मैं फिर बेनती करांगा, कर देंदे ने ठीक है। मैं इस करके टाइम नहीं मंगिया कि काफ़ी उथल पुथल, तुसी आप ही कह रहे हो कि आपस दे विच ही चल रहा है, तो जेकर वो कर देंदे ने वधिया है, नहीं तो मैं अपने लेवल ते करांगा। सर तुहाडे वल्लों काफ़ी काम किया गया सी, पर सरकार दे कई अफसरां दे वल्लों अड़चनां भी काफ़ी पाई गई, उस बिंदु ते उत्ते हुण बहुत कुछ गलबात हो चुकी है, ठीक है कि नहीं, या इस करके मैं नहीं समझदा हाँ कि जदों भी कोई ऐसे करके काम चैलेंजिंग हुंदा है ना, हर काम सौखा तो नहीं हुंदा है ना, चैलेंजिंग हुंदा है, तो यह भी चैलेंजिंग बन गया सी, पहला तो ही चैलेंजिंग सी, लेकिन इस तरह जो तुसी कह रहे हो उस तरीके दे नाल ये होर ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया सी, लेकिन असी डरदे नहीं। देखो दो चीज़ की गरंटी है, कंवर विजय प्रताप नूं ना कोई डरा सकता है ना किसी चीज़ की लालच दे सकता है, दो चीज़ की गरंटी है, बाकी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत साडे पुरखियां दी बहुत समय तो प्रचलित है जी, ठीक है, तो जो चोर है वो बोलेगा ही बोलेगा, तो उन्हें सपोर्ट जेकर मिलेगा, तुसी आप ही कह रहे हो कि सपोर्ट है उन्होंने, तो सपोर्ट है तो पावर उन्होंने डबल हो जाता है। तो इस्तीफा देने का की कारण समझते हो? यही कारण है जी, सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम सारा हौज पौच हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ना दी कोई चीज़ भी है, ठीक है कि नहीं। लगता है कि सर तो इस्तीफा देने तो बाद हूँ जब राजनीति में पैर रख रहे हो वो नाल कितना कितने, मैं चाहांगा कि हर बच्चा राजनीति दे विच पैर रखे, ये राजनीति वो राजनीति नहीं होगी, हुण जदों पंजाब दा बच्चा बच्चा राजनीति दे विच आएगा तो ये राजनीतिक ये पॉलिटिशियन देखो ये अपना अपना घर परिवार सारा छड़ के भज जाएंगे जी, क्योंकि हुण हर बच्चा बच्चा राजनीति दे विच कदम रखेगा सर, एक क्रांति आएगी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन जिस दे विच बच्चा बच्चा हर यूथ बुजुर्ग
लेडीज जेंट्स ये सारे शामिल होंगे। सर इसे करके एक क्रांति आएगी, तुसी देख लेना आएगी। लेकिन आम दा विच कोई आम दी जिहड़ी चर्चा पूरी दिल्ली दे विच भी हो रही है, सिर्फ पंजाब दे विच कल केजरीवाल अपने सारा पहुंच रहे हैं। मैं इस बारे कोई टिप्पणी आज नहीं कर सकता। सर मान लो कल दी आम पार्टी जाते तो प्रकारी कार्ड दा, मेरी गल तो सुनो, मेरे आज उस टॉपिक दे उते मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। बरगाड़ी कांड देखो, जो इन्वेस्टिगेशन सीगा, इन्वेस्टिगेशन तो बाद ट्रायल शुरू हो गया सी, तो ट्रायल क्वेश होया नहीं जी, बेसिकली कार्रवाई फरीदकोट की अदालत दे विच शुरू हो गई सीगी, तो क्वेश हो गया, हुन कार्रवाई बंद हो गई, नवी सीट बनी है, नवी सीट दे विच बहुत काबिल अफसर लगे हुए ने, लेकिन जो केस खराब हो जाता है वो खराब हो जाता है, ठीक है कि नहीं। वो इंसाफ ताही मिलेगा जदों साड़ी अपनी जो पहली वाली रिपोर्ट है ना उस दे आधार से ट्रायल जो होगा ना, फिर जाके इंसाफ मिलना है। देखो जी सच्चाई तो देखो, सच्चाई छुपती नहीं है ना जी। देखो एक चोर है, ठीक है, वो कितना भी पावरफुल हो जाए, सरकारी पक्ष तो तुसी आप कह रहे हो, सारा पंजाब जानता है कि सारे लोग कह रहे हैं, उन्होंने पार्टी के MLA मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सपोर्ट है, तो सपोर्ट है ताही वो कर रहे हैं इस तरीके के, ठीक है। तो सपोर्ट करके ही रिपोर्ट क्वेश हुई है, रिपोर्ट के बीच कमी थोड़े है। रिपोर्ट मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि फरीदकोट की मानजोग सेशन अदालत दे विच है, तो चंडीगढ़ दे विच रिपोर्ट क्वेश हो रही है। सर लगता कि जो बगाड़ी कांड है जो मुझे घूम रहे उन्होंने सजा मिलनी चाहिए। देखो जी सजा तो मिलनी ही मिलनी है, एक कुदरत का नियम है जी, जो जिस तरह करता है ना जी, हर देखो कर्म का फल मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठीक है ना। गीता दे विच भी भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म दे विच तुहाडा अधिकार है, तो जो माड़ा कर्म करेगा माड़ा उन्हें फल मिलेगा, जो चंगा कर्म करेगा उसका चंगा फल मिलेगा, ठीक है कि नहीं। सर कल लास्ट सवाल कल केजरीवाल भी मिला जाएगा सर कड़ा उस दे विच। देखो इस संबंध विच ना पूछो, मैं कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, तो मेरे हिसाब के नाल हूँ